मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। देखा जाए राजस्थान में अब एक और कदम पड़ने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सत्यपाल मलिक की, जो लगातार सीबीआई के रडार पर है। अब साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि वो अपने दौरे को लेकर किसी भी तरीके की जानकारी नहीं देंगे, रहस्यमयी रहेगा ये सब कुछ, और 28 तारीख को वो आराम से दिल्ली आ जाएंगे। तो इस मुद्दे को लेकर उनसे सवाल ना किए जाए। अब दूसरी तरफ देखा जाए यहाँ पर तो पायलट और गहलोत का जो अंतर्कलह है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार यहाँ पर वो अंतर्कलह बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में मुझे अच्छे से मालूम है और मैं किसी का भी पक्ष या फिर किसी के भी विपक्ष में नहीं बोलना चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो उन्होंने पहले भी कहा था कि जिस वजह से यहाँ पर विधायक की रद्द हुई थी या जिस वजह से यहाँ पर देखा गया कि विधायक नाराज हुए, वो सब उनको मालूम है। अब उनकी बातों से कहीं ना कहीं इशारा इस बात जाता हुआ नजर आ रहा है कि वो गहलोत के नहीं लेकिन पायलट के समर्थन में जरूर कुछ काम कर सकते हैं। देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक अब यहाँ पर बीजेपी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पैसे दिए जा रहे थे उन्हें 300 करोड़, फिर 2200 करोड़ की बात की। सीबीआई लगातार उनसे सवाल कर रही है, सीबीआई ने उन्हें बुलाया, उन्होंने कहा वो जरूर जाएंगे। लेकिन शाम तक ये बात भी सामने आई कि उन्होंने कहा कि सीबीआई को मुझसे काम है, मुझे नहीं, तो सीबीआई खुद मेरे घर पर आए। इस तरीके से अपनी बातें रखते हुए नजर आए थे सत्यपाल मलिक। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो नवंबर में राजस्थान के चुनाव है और यहाँ पर हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो राजस्थान के चुनाव जीत पाए। एक तरफ पायलट आप पूरी तरीके से खुलकर बोलते नजर आ रहे हैं, आज भी उन्होंने काफी तरीके के सवाल अपनी पार्टी को लेकर खड़े कर दिए और गहलोत के पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने वो पुराने दिन याद दिला दिए पायलट ने, जब यहाँ पर सोनिया गांधी की बेइज्जती, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन का किस तरीके से यहाँ पर दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया था, वो सारे दिन याद दिलाते नजर आए। लेकिन सारे सवालों का जवाब गहलोत के पास नहीं मिला और साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया कि पायलट लगातार ऊंचाइयों को छूते नजर आए तो वही गहलोत पूरी तरीके से अब बैठते हुए नजर आ रहे। लेकिन सत्यपाल मलिक की बात की जाए तो उनका साफ तौर पर यह है कि वो बीजेपी के खिलाफ है और यहाँ पर कांग्रेस का साथ देते नजर आ रहे ऊपरी तौर पे। लेकिन बात राजस्थान की है तो पायलट के समर्थन में जल्दी कोई बड़ा ऐलान भी करते नजर आएंगे। अब इसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि सत्यपाल मलिक के एक बयान से पायलट को जान मिलती हुई नजर आएगी। इस पर राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।